नमस्कार, मेरा नाम शिवाय और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने ये नहीं बताया कि कितने खिलाड़ियों को जो टीम से वो रिटेन कर सकती है। पर जो खबर मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो एकदम कन्फर्म खबर, आप लोग इसको मान सकते हो। खबर किससे जुड़ी है? वो खबर जुड़ी है महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से। आप सभी को बता दें कि दो ऐसी टीम है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि वो किन किन खिलाड़ी को रिटेन करेंगी और किन खिलाड़ी को रिलीज करेंगी। उसमें वो कौन सी दो टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को लेकर अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई, वो बीसीसीआई के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पर सीएसके से जो मैनेजमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो करीब 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दे सकते हैं, जिसमें से आपका एक जो है 5 खिलाड़ी, यानी कि 5 खिलाड़ी को आप रिटेन कर सकते हो। और एमएस धोनी आप सबको बता दें कि आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आएंगे और सीएसके जो है एमएस धोनी को रिटेन करने वाली है। और वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं आप सभी को बता दें। महेंद्र सिंह धोनी होंगे, लेकिन वो एज अ अनकैप्ड प्लेयर। इसका ये मतलब हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही सस्ते में एमएस धोनी उनको रिटेन कर सकती है। और इसके पीछे का वो एक रूल है जो बीसीसीआई से इन्होंने मांग की थी, ये है कि जो खिलाड़ी करीब 4 से 5 साल हो गया रिटायर हुए उसको एज अ अनकैप्ड प्लेयर यहाँ पर माना जाए। और महेंद्र सिंह धोनी उसी कैटेगरी में आते हैं और वो एज अ अनकैप्ड प्लेयर जो है यहाँ पर रिटेन होंगे, जो कि सीएसके को काफी सस्ते में मिल जाएंगे। बात रही कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी सीएसके, तो उसमें सबसे पहला नाम है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे नंबर पर आपके पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा, तीसरे नंबर पर आपके स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे और चौथे नंबर पर आपके होंगे जो है मथीसा पथिराना, जो आपके 30 गेंदबाज श्रीलंका के हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिसको सीएसके रिटेन करने वाली। महेंद्र सिंह धोनी के 5वें एज अ अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन किए जाएंगे, ये रिपोर्ट्स आई है। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बाकी के खिलाड़ी आपको रिटेन करने पड़ेंगे, आप उनको मेगा ऑक्शन में ही खरीद सकते हो। आप सबको एक चीज और बता दें, अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली ये बताया नहीं है कि एक टीम कितने खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। क्या ये अनकैप्ड वाला जो रूल जिसकी बात हो रही है, क्या इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है, नहीं पहनाया जा सकता, मेगा ऑक्शन कब होगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। पर मैं आपको ये जो खबर बता रहा हूँ ये रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार इन्हीं खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और महेंद्र सिंह धोनी अगला आईपीएल का सीजन खेलते हुए नजर आएंगे। और एमएस धोनी के अलावा इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मथीसा पथिराना, ये 4 खिलाड़ी सीएसके जो है रिटेन करने वाली है। तो ये थी सीएसके से जुड़ी खबर जो हमने आपको बताई। अब देखना होगा कि बीसीसीआई बताया तो जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर रिटेंशन पॉलिसी के जो रूल्स है वो बता देगी। हो सकता है दूसरा टेस्ट जो है बांग्लादेश के साथ उसके बाद इसके बारे में खबर आ जाए और फिर इसके बाद टीम्स अपना वो बता सकती है कि वो किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करें। और दिसंबर तक ये भी बताया जा रहा है कि मेगा ऑप्शन होने वाला है। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।